दोस्तों Redmi ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर, Redmi का Note 10 Lite। Note 10 सीरीज में वैसे काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स आए, अब ये एक और नया आ गया, लेकिन देखते हैं इस वीडियो के अंदर ये कितना नया है और कितना पुराना है। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। बॉक्स पे लिखा हुआ मिल जाता है इंडियाज़ नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। बाकी दोस्तों पीछे की तरफ ये सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। अब रेट के बारे में बात करें तो बॉक्स पे रेट तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है 18,000 का, बाकी आपको मिलता है 15,000 में। 15,000 से कम में आपको नोट 10 मिल जाता है और ये नोट 10 लाइट है जो और ज़्यादा महंगा है। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं एक मिनी बॉक्स में लगा हुआ मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर इसके कुछ यूज़र मैनुअल और एक कवर दिया गया है ब्लैक कलर में, ट्रांसपेरेंट है हल्का सा, बाकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। मोबाइल मिलता है दोस्तों रैपर के अंदर, डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एक टाइप सी केबल दी गई है। दोस्तों डेटा केबल आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है इसके साथ, नॉर्मल जैसा आपको रेडमी के साथ मिलती है वैसे इसके साथ भी बढ़िया दी गई है। आखिर में रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अब इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और बॉक्स के अंदर आपको एक फास्ट चार्जर मिलता है 18 वॉट का। चार्जर फास्ट है ये चीज़ तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर हम इसकी कीमत को देखें 15,000, तो दोस्तों वैसे चार्जर और ज़्यादा फास्ट होना चाहिए था, कम से कम 33 वॉट का तो होता, जैसा आपको नोट 10 के साथ मिलता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन इसका आपको बिल्कुल Redmi के Note 9 Pro की तरह मिलता है। ऐसा लगता है बॉक्स के अंदर आपको Note 9 Pro ही दिया गया है Note 10 Lite के नाम पर। बाकी दोस्तों डिज़ाइन वैसे क्वालिटी अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़िया ही है। ग्लास डिज़ाइन है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ, तो डिज़ाइन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लुकवाइज भी काफ़ी शाइनी डिज़ाइन है। कैमरा भी आपको उसी डिज़ाइन में दिया गया है Note 9 Pro की तरह, और इसी तरीके का डिज़ाइन आपको पोको M2 Pro में भी देखने को मिलता था। तो दोस्तों डिज़ाइन को लेकर तो बिल्कुल ये सेम ही है। बाकी अंदर से यूज़ करके देख लेते हैं क्या फ़ीचर्स दिए गए हैं, आप कंप्लीट डिज़ाइन देख सकते हैं। मुझे दोस्तों इसका डिज़ाइन जो है वैसे काफ़ी अच्छा ही लगा, क्योंकि Note 10 जो आया, Note 10 Pro आया, उनसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का डिज़ाइन इसके अंदर आपको दिया गया है। Note 9 Pro ज़्यादा बेटर था, तो अगर हम क्वालिटी कंसिडर करें, इस चीज़ को ना देखें कि ये पुराना है या नया, तो दोस्तों क्वालिटी वाइज वैसे इसका डिज़ाइन और ज़्यादा बेटर ही है नए स्मार्टफोन से, बहुत ज़्यादा सॉलिड लगता है ये। और दोस्तों Note 10 की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो थोड़ा सा आपको लो बिल्ड क्वालिटी में मिलता है, जो इसके अंदर आपको कमी देखने को नहीं मिलती। काफ़ी सॉलिड स्मार्टफोन है ये, इन हैंड फील इसकी काफ़ी बढ़िया लगती है। डिस्प्ले दी गई है 6.67 इंचेस की, IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। दोस्तों क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाती है, यूज़र इंटरफेस वैसा ही है, आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। और इसके अंदर आपको दोस्तों 90Hz का रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया, जो कि होना चाहिए था। तो दोस्तों बिल्कुल आपको फीचर्स Note 9 Pro ही वाले दिए गए हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी भी हम करीब से देख लेते हैं, डिज़ाइन आपको वही दिया गया है, पंच होल कैमरे वाला डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है बीच में, एजिस बेजल्स भी उसी साइज़ में मिल जाते हैं। और दोस्तों क्वालिटी जो है वैसे वो तो डिस्प्ले की आपको काफ़ी बढ़िया ही दी गई है, कलर्स ब्राइटनेस काफ़ी अच्छे हैं। बाकी दोस्तों इसके अंदर 90Hz का रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया, ये मुझे इसके अंदर कमी लगी। ये एक नया स्मार्टफोन है, नया नहीं है तो नया नाम तो है इसका Note 10 Lite, तो 90Hz का रिफ्रेश रेट इसके अंदर होना चाहिए था, बेटर थोड़ा होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सेम ही है पुराने स्मार्टफोन की तरह। डिज़ाइन की क्वालिटी वैसे काफ़ी बढ़िया है, साइडों से कर्व्ड है तो ग्रिप करने में काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखेंगे सिम की ट्रे दी गई है, काफ़ी सॉलिड है साइडों से भी, बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया दी गई है, साइडों से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सिम की ट्रे ऐसी दी गई है दोस्तों, आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं, इसके अंदर आपको ये खूबी दी गई है। और ये मोबाइल 4G है। नीचे की साइड से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों फ्रेम की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स दिए गए हैं ऊपर की तरफ, उसी के ठीक नीचे पावर का बटन, जिसके अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है साइड में। कैमरा थोड़ा बाहर निकला हुआ है, कवर लगाने के बाद स्क्रैचेस वैसे नहीं आएंगे कैमरे पे। ऊपर से देखेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है और IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है, TV वगैरह आप इससे चला सकते हैं, AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 15,000 इसकी कीमत है और 15,000 में इसमें आपको दी गई है 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, तो स्टोरेज तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वैसे ही आपको 14,000 का भी मिलता है, जिसके अंदर आपको 4GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज मिलती है, तो अलग अलग वेरिएंट्स हैं। ये मेरे पास 15,000 वाला है, बाकी आपको ये 14,000 का भी मिल जाएगा 4/64 वाला। अब ये चीज़ भी अजीब है, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का 10 वर्जन मिलता है, 11 वर्जन तो होना चाहिए था, बिल्कुल वही पैक कर दिया Note 9 Pro, बस बॉक्स नया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की वैसे स्पीड आपको काफ़ी सही मिलती है, जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, एक्यूरेट है, एकदम अनलॉक हो जाता है। फेस अनलॉक की स्पीड भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी ही मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको
बैटरी दी गई है 5020 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको आराम से मिल जाता है। बैटरी को लेकर यह मोबाइल काफ़ी बढ़िया है। वैसे रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, तो बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको सही मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट और ज़्यादा होता तो बैटरी थोड़ी और ज़्यादा कंज्यूम होती। नॉर्मल बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको आराम से मिल जाता है। प्रोसेसर इसके अंदर आपको दोस्तों दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G। अब देखिए, अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र भी हैं, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। परफॉर्मेंस को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसका छोटा सा स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना ज़्यादा फास्ट चल रहा है नॉर्मल यूज़ के अंदर भी। बाकी दोस्तों, अगर आपको गेम वगैरह खेलने हैं तो वैसे देखा जाए तो प्रोसेसर तो काफ़ी बढ़िया ही दिया गया है। ऑन होने में कुछ इतना टाइम लिया इसने। बाकी कुछ ऐप्स भी ओपन कर लेते हैं जो नॉर्मल आपको मिलती हैं, सिंपल ऐप्स। कॉल लॉग्स ओपन करते हैं दोस्तों, डायलर। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, कुछ इस तरीके से इतना टाइम इसने लिया। अभी वैसे ये रिस्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा लेट चल रहा है, उम्मीद है ये बाद में और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको स्पीड वैसे सही मिल जाती है। प्रोसेसर इसके अंदर आपको बुरा नहीं दिया गया, काफ़ी बढ़िया ही मिलता है। हैवी यूज़ के हिसाब से आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कैमरे के बारे में बात करें, इसके अंदर कैमरे जो दिए गए हैं पीछे की तरफ चार मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा है पहला 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, तीसरा 5, चौथा 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट है 16 मेगापिक्सल का। अब एक चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये वैसे है तो नोट 10 लाइट और देखा जाए तो वैसे ये नोट 9 प्रो ही है, लेकिन अभी जो मोबाइल आ रहे हैं नोट 10 जो आपको लेटेस्ट मिलता है उससे, इसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया कैमरा दिया गया है। परफॉर्मेंस आपको कैमरे की बहुत ही बढ़िया मिलती है इसके अंदर। हालांकि ये थोड़ा पुराना है स्मार्टफोन, नाम तो नया है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज फीचर्स काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी काफ़ी बढ़िया है, कलर्स भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये सारी खूबियाँ कमियाँ आपको मिलती हैं रेडमी के नोट 9 प्रो और सॉरी नोट 10 लाइट के अंदर 14-15 हज़ार में। अब दोस्तों देखा जाए तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा इस स्मार्टफोन के बारे में। देखिए, वैसे तो है बिल्कुल सेम वही नोट 9 प्रो, उसी को पैक करा गया है दोबारा से नोट 10 लाइट के नाम पर, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर हम ये चीज़ ना देखें कि इसको दोबारा पैक कर दिया, इसके क्वालिटी वाइज फ़ीचर्स देखें, तो दोस्तों ये चीज़ इसके अंदर आपको वैसे बहुत अच्छी ही मिलती है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी बढ़िया है, कैमरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया है, डिज़ाइन की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलती है इसके अंदर, और दोस्तों बैटरी और परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो अगर आपको ये चीज़ मैटर नहीं करती कि ये थोड़ा पुराना स्मार्टफोन है या फिर नया, तो दोस्तों अगर आपको फ़ीचर्स बढ़िया चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। वैसे क्वालिटी वाइज ये अभी भी काफ़ी बढ़िया ही है। मुझे तो वैसे पर्सनली नोट 10 से भी ज़्यादा बढ़िया नोट 10 लाइट यही लगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है। बस इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई जो नोट 10 के अंदर आपको मिलती है। बाकी क्वालिटी वाइज फ़ीचर्स इसके अंदर आपको और ज़्यादा बढ़िया ही दिए गए हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है, डिज़ाइन की क्वालिटी भी ज़्यादा बढ़िया है, और दोस्तों इसके अंदर आपको कैमरा भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और इसी के साथ दोस्तों बैटरी चार्जर भी सही दिए गए हैं बढ़िया प्रोसेसर के साथ। तो अगर आपको दोस्तों ये चीज़ मैटर नहीं करती कि ये Redmi के Note 9 सीरीज़ का स्मार्टफोन है और दोबारा नए नाम से आ गया, तो दोस्तों आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आपको फ़ीचर्स क्वालिटी वाइज बढ़िया चाहिए, तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। अभी भी इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही मिलते हैं। बस ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है, थोड़ा सा कंपनी को वैसे इसका डिज़ाइन बदल देना चाहिए था, कम से कम इतना तो फ़र्क होना ही चाहिए था, बिल्कुल सेम वही दे दिया। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको ये कैसा लगा, और दोस्तों मुझे इसका कंपैरिजन करना चाहिए नोट 10 के साथ या फिर नहीं, आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों मैं ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एक ही फ्रेम में दोनों को एक साथ रखकर, एक ही साथ दोस्तों दोनों की कंपैरिजन करके मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की कौन सा ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दिएगा। अगर आपके कमेंट ज़्यादा अच्छे रहे तो मैं कोशिश करूंगा कल इस वीडियो को अपलोड कर दूँ। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ताकि नोट 10 लाइट के कंपैरिजन की वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।